आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा और आप जुड़ चुके हैं अमर उजाला आवाज की खास पेशकश आविष्कार के साथ। हेलीकॉप्टर एक ऐसा साधन है जिसकी मदद से आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, चाहे बड़े बड़े पहाड़ हो या फिर समुद्र। आप हेलीकॉप्टर की मदद से कहीं भी घूम सकते हैं। आज के समय में हेलीकॉप्टर में सफर करना काफी आम बात है। आज हेलीकॉप्टर में सफर करना ज्यादा महंगा नहीं है, ऐसे में इससे आम लोग भी आसानी से सफर करते हैं। ये घरेलू क्षेत्रों में काफी योगदान देता है। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, अमीर लोग हेलीकॉप्टर में सफर करना ही पसंद करते हैं। लेकिन आज से कुछ सालों पहले तक आसमान में उड़ना एक कल्पना मात्र थी, लेकिन टेक्नोलॉजी के विकास से आज आसमान में उड़ना संभव है। चलिए आज जानते हैं हेलीकॉप्टर के इसी आविष्कार की कहानी के बारे में। हेलीकॉप्टर का आविष्कार आइगोर सिकोर्सकी ने 14 सितंबर 1948 को किया था। ये दुनिया का एक रोटर वाला प्रायोगिक हेलीकॉप्टर था जिसे अमेरिका में स्टैमफोर्ड सिटी में उड़ाकर दिखाया गया था। हालांकि VS-300 नाम का यह हेलीकॉप्टर महज कुछ मिनटों के लिए ही उड़ा था, लेकिन इसके बाद आइगोर सिकोर्सकी ने अपने हेलीकॉप्टर्स में कई सुधार किए और 13 मई 1940 को इसकी कई सार्वजनिक उड़ानें पूरी की गई। सिकोर्सकी एक अमेरिकन रशियन इंजीनियर और विमान विशेषज्ञ थे। ऐसा माना जाता है कि सिकोर्सकी साल 1910 से ही हेलीकॉप्टर पर काम करना शुरू कर चुके थे, जिसमें उनको 1940 आते आते तक सफलता मिली थी। इसके बाद उनके VS-300 नाम के हेलीकॉप्टर को आधार बनाकर हेलीकॉप्टर्स का निर्माण बड़ी संख्या में शुरू किया गया और सिकोर्सकी R-4 दुनिया का पहला ऐसा हेलीकॉप्टर बना जिसे बड़े पैमाने पर बनाया गया था। इसके बाद आइगोर सिकोर्सकी ने इसे अमेरिकी वायुसेना को सौंप दिया था। अमेरिकी वायुसेना ने इसका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया। इसके साथ ही सिकोर्सकी की कंपनी ने अमेरिकी सेना को काफी संख्या में अलग अलग तरह के हेलीकॉप्टर्स बनाकर दिए थे। इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में लोगों की खोज और बचाव और राहत दल भेजने के लिए किया। फिर आया साल 1958 में सिकोर्सकी की कंपनी ने दुनिया के पहले पानी की सतह से उड़ने वाला और पानी में लैंड करने वाला हेलीकॉप्टर बनाया। सिकोर्सकी के अलावा हेलीकॉप्टर को आधुनिक बनाने में कई लोगों की कोशिश शामिल है। साल 1944 में अमेरिकी इंजीनियर स्टैनली हिलर ने धातु का उपयोग करके हेलीकॉप्टर के रोटर्स के ब्लेडों को कठोर बनाया और इस परिवर्तन के बाद हेलीकॉप्टर पहले की तुलना में काफी तेज उड़ने लगे। साल 1949 में स्टैनली हिलर ने खुद के बनाए गए हेलीकॉप्टर हाइलर 360 से पूरी अमेरिका का चक्कर लगाया। आपको बता दें, हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश सिर्फ अमेरिकन इंजीनियर ने ही नहीं की, बल्कि फ्रांस के भाई ड्रेकस और लुइस ब्रेग्यूट ने भी 1907 में गायरोप्लेन No. 1 नाम के हेलीकॉप्टर बनाए थे। इस मशीन ने 2 फीट की ऊंचाई तक करीब 1 मिनट तक उड़ान भरी थी, लेकिन यह संतुलित नहीं था और इसी वर्ष पॉल कॉर्नो नाम के भी एक आविष्कारक ऐसे थे जिन्होंने हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश की थी जिसमें करीब 20 सेकंड उड़ान भी भरी थी, लेकिन ये सभी हेलीकॉप्टर्स उस तरह से कामयाब नहीं हुए जैसे कि सिकोर्सकी का हेलीकॉप्टर कामयाब हुआ। और आज हेलीकॉप्टर्स हमें हर जगह दिखते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे किसी और आविष्कार की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए अमर उजाला आवाज़।